दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आखिर में मैं आपको ये कौन सा काम दिखा रहा हूँ। सिविल का कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है ये। एक केमिकल की कोटिंग की जा रही है जो हर घर की ज़रूरत है। जब भी आप अपने घर बनाते हैं तो इस टाइम बिना केमिकल का घर बनाना एक तरफ से उतना उसका मजबूती नहीं माना जाता है जितना आप उसमें वाटर प्रूफिंग करके केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके आप उसमें बनाते हैं। जब भी आप घर बनाइए, घर बनाते समय नया नया कंस्ट्रक्शन के टाइम ही उसमें वाटर प्रूफिंग करा दें। यहाँ पे जो है किचन है, बाथरूम, उसकी वाटर प्रूफिंग की जा रही है। किचन है, ये किचन का जो है वॉशिंग एरिया है उसकी वाटर प्रूफिंग की जा रही है। इससे ये बेनिफिट होगा कि किचन में जब प्लास्टर किया जाएगा उसके बाद जो है टाइल्स वगैरह लगाया जाएगा तो उसमें सीलन नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि आप नया नया घर बनाते हैं, जैसे ही घर बन के तैयार होता है आप टाइल्स वगैरह लगाते हैं और जब किचन के इस्तेमाल या घर का यूज जब शुरू हो जाता है आप उसमें बराबर पानी से धोना शुरू करते हैं तो सीलन वगैरह फैलना शुरू हो जाता है। आप परेशान रहते हैं, बार बार जो है मिस्त्री को बुलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन आपको कोई उसका समाधान नहीं निकल पाता है। तो इसका यही कारण है कि आप कहीं ना कहीं वाटर प्रूफिंग की कमी कर दिए थे घर बनाते टाइम। जब भी आप घर बनाएं उसमें वाटर प्रूफिंग जरूर करा दें। ये नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, पानी अभी छत के ऊपर डाला गया था लिंटर को थोड़ा सा तराई देने के लिए, तो पूरा सीपेज ये लिंटर में बन चुका है। अक्सर नए नए बिल्डिंग में देखा जाता है, आपके यहाँ भी ये समस्या आ रही है तो आप उसमें बिना वाटर प्रूफिंग कराएं आप उस छत के ऊपर टाइल्स वगैरह ना लगाएं या प्लास्टर वगैरह ना कराएं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये जो सीपेज है अभी तो थोड़ा सा कम है, धब्बा टाइप का दिख रहा है, आगे चल के ये पूरा बिल्डिंग का एक तरफ से कैंसर बन जाएगा। आप इसके ऊपर पेंट लगाएंगे, पीओपी करेंगे, तरह तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, फाल सीलिंग का काम करेंगे, सब बेकार हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा गिरने लगेगा और आपका जो बिल्डिंग है एक तरफ से नया बिल्डिंग है वो पुराने की तरह झलकने लगेगा। तो आप जब भी छत वगैरह का लिंटर कराएं उसमें वाटर प्रूफिंग का ज़रूर काम करा दें। एक घर के अंदर जो है बालकनी बनती है, जैसे कि सामने आपको दिखा रहा हूँ ये बालकनी है, इसमें भी वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम घर बनाते हैं, घर बनाते टाइम उसमें वाटर प्रूफिंग वगैरह का काम हर जगह कर देना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग गलती करते हैं, शुरू शुरू में ये चीज़ समझ में नहीं आती है। वाटर प्रूफिंग जो है इंडिया के अंदर में कई टाइप की होती है, जो सबसे ज़्यादा करने वाली वाटर प्रूफिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है, लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है लिक्विड मेम्ब्रेन की वाटर प्रूफिंग। लिक्विड मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन एक तरफ से ग्लास फाइबर को भी मेम्ब्रेन बोला जाता है। जो कोटिंग होगी पॉलीमर की लिक्विड रबड़ की, वो मेम्ब्रेन कोटिंग की जाती है। ये छत है, इसके ऊपर क्रैक आ चुका है। कई बार क्या होता है कि छत के ऊपर क्रैक वगैरह देखने को मिलता है और क्रैक इतना लंबा होता है कि वहाँ से पानी टपकने लगता है, सीलन और सीपेज जाने लगता है। तो क्रैक के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग की जाती है। अगर आपके छत के ऊपर क्रैक है तो वही वाटर प्रूफिंग करने से सही हो जाता है। ये जो लोकेशन है देहरादून है, देहरादून में जो है यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम किया जा रहा है। वाटर प्रूफिंग जो है इंडिया में कई तरीके की होती है। अभी आपको पिछले में बताया था कि लिक्विड मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा किया जाता है। लिक्विड मेम्ब्रेन में टोटल 7 कोटिंग होती है। कई लोग क्या करते हैं कि कम बजट में 2 से 3 कोट जो है वाटर प्रूफिंग करा लेते हैं। उसमें ये देखा गया है काम तो सही होता है, कुछ समय के लिए सही रहता है, लेकिन सेल्फ लाइफ उसका होता है ज़्यादा नहीं होता है। अब मान के चलिए कि अगर वाटर प्रूफिंग जो है लिंटर वगैरह बिल्डिंग में कर दिया जाए तो अगर बढ़िया से कर दिया जाता है तो 20 से 25 साल तक सीलन वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर वही आप थोड़ा सा कम कोटिंग कराएंगे, 7 कोटिंग नहीं कराएंगे, 2 से 3 कोट करा देंगे, तो जो चीज़ जो है 20 से 25 साल की वारंटी मिलती है, यहाँ पर जो है आपको 2 से 3 साल चलेगा, उसके बाद फिर सीलन और सीपेज देखने को मिलने लगता है। तो आपके घर के ऊपर क्रैक है, छत पर क्रैक है, बाथरूम में सीलन आती है, लिंटर वगैरह में पेंट पीओपी वगैरह झड़ता है, तो आप वाटर प्रूफिंग जरूर करा दें। जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।